तथ्य सटीक बेबाक। नागरिकता बिल के खिलाफ एक बार फिर आवाज उठने लगी। इलाके में धारा 144 लगे होने के बावजूद छात्रों का हौसला कम ना हुआ। CAA के खिलाफ जामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स दिल्ली के जंतर मंतर पर हाथों पर तख्ती बैनर लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मंडी हाउस से हजारों छात्रों का काफिला निकलकर जंतर मंतर तक पहुंचा। पुलिस ने एहतियातन बरतते हुए मंडी हाउस क्षेत्र में धारा 144 लगा दिया था। छात्रों की मांग है कि CAA बिल को सरकार वापस ले। CAA और NRC को लेकर पूरे देश में इन दिनों विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जामिया में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर भी शांतिपूर्ण तरीके से लोग इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। छात्रों के समर्थन में स्वराज इंडिया के संयोजक योगेंद्र यादव भी जंतर मंतर पर शामिल हुए। किसी अनहोनी से निपटने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। आइए देखते हैं धरना प्रदर्शन में आए छात्रों की क्या मांग है। नागरिकता संशोधन कानून को देश में लागू किए हुए आज 14 दिन का वक्त हो चुका है, जिसके बावजूद देश के अंदर विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को ये कहा कि देश के अंदर NRC लागू नहीं होगी, जिसके बाद आज ये पहला विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया जा रहा है। तो जनता से, यहाँ की जनता से जानेंगे उनकी राय की किन मांगों को लेकर आज जंतर मंतर पर मौजूद है। चलिए जानते हैं उन सब लोगों की राय। प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ठीक ढंग से चल भी नहीं सकते हैं। जानते हैं उनकी राय कि किन मांगों को लेकर वो इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। नमस्कार भाई, आपका नाम? मेरा नाम हसन है और मैं JNU से आया हूँ। वहाँ BA फर्स्ट ईयर रशियन लैंग्वेज सीख रहा हूँ। किन मांगों को लेकर आप इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं? हम लोग तो बहुत से मांगों, जैसे कि हमारे JNU के आप हाल जान ही रहे हैं, पिछले 2 महीने से वहाँ पे फी हाइक को लेकर काफ़ी ये है, टेंशन है, और वो तो मांगे है ही है। साथ ही साथ उससे बड़ी मांग है NRC और CAB तो अब नहीं है, CAA हो गया। मगर देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में ये कहते हैं कि NRC तो देश में लागू ही नहीं किया जाएगा, तो किन चीज़ों के लेकर? हाँ, यही तो आम जनता को, पब्लिक को समझने की ज़रूरत है कि अमित शाह और मोदी जी ये कैसे हैं, इनकी बातों पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं। एक साहब घूम घूम के कहते हैं कि हम CAA और NRC लागू करेंगे, दूसरे साहब जब देखते हैं कि भाई जनता तो सड़क पे आ गई है, हम जनता से बच नहीं सकते हैं, तो अब देखिए कैसे कैसे भाषण दे रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये लोग ऐसे ही झूठ बोल रहे थे जब नोटबंदी किया और कहा कि हम नोटबंदी करेंगे, 15-15 लाख हर पब्लिक के, हर गरीब जनता के इसमें जाएगा। तो आम जनता अब समझ गई है कि ये सरकार लूटने वाली है। जिस तरह से प्याज की कीमत 100 रुपये किलो बढ़ गई, मतलब हुआ कि किसान को इसने लूट लिया, किसान प्याज नहीं पैदा कर सका, इसलिए किसान प्याज की कीमत बहुत बढ़ गई। उसी तरह से ये सरकार आम गरीब जनता को, जो दलित है, पिछड़ा वर्ग है, आदिवासी है, इन लोगों को लूट रही है। मगर तो प्रधानमंत्री बोलते हैं किसी को कहीं नहीं भेजा जाएगा, आप बता दीजिए डिटेंशन सेंटर कहाँ है? प्रधानमंत्री मोदी सीधा आपसे सवाल पूछते हैं, आप बताइए डिटेंशन सेंटर इंडिया में कहाँ है, कहाँ भेजा जाएगा लोगों को? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया। अभी जो कर्नाटका के हाई कोर्ट में, कर्नाटका सरकार हाई कोर्ट ने पूछा कि कितने डिटेंशन सेंटर बने हैं, तो कर्नाटका के सरकार ने कहा कि हम 35 बनाए हैं। अभी असम में भी बना हुआ है और डिटेंशन सेंटर में RTI जो एक्टिविस्ट है उन्होंने फाइल किया था, तो उससे पता चला कि असम के डिटेंशन सेंटर में 35 लोग। किन मांगों को लेकर आओ इस वक्त, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद ये पहला विरोध प्रदर्शन है। ये सिर्फ रैली की बात नहीं है, हम अगर अमित शाह का पार्लियामेंट में अलग अलग न्यूज एजेंसी में बात देखें, वो भी बोले कि NRC वो करेंगे। BJP का मैनिफेस्टो जो लेकर 2019 इलेक्शन जीते थे, वहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि NRC करेंगे। तो जब उनके मैनिफेस्टो ही बोल रहा है, उनके अमित शाह बोल रहे हैं, ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया था, तो NRC हम किसका विश्वास करें? तो कोई क्लियर आंसर तो आ
नहीं रही है, और बात सिर्फ एनआरसी की नहीं है, बात सीएए की भी है। हाँ, हमारे देश को एक रेफ्यूजी पॉलिसी चाहिए, लेकिन ऐसी रेफ्यूजी पॉलिसी जो इंक्लूसिव हो। पाकिस्तान में आज ही हमें, आज नहीं, 2-3 दिन से खबर आ रहा है कि एक प्रोफेसर को फांसी का सज़ा मिल गया क्योंकि वह ब्लास्फेमी लॉज में पकड़े गए। तो ये बात भी सच नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है बोल के वहाँ पे सब मुस्लिम सेफ है, सब मुस्लिम वहाँ पे घर है उनका। वो प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि मेरे देश का हर वासी सेफ है। आज जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो मुझे बताएं कि देश में कहाँ है डिटेंशन सेंटर जहाँ लोगों को भेजेगा, वो मुझे बताएं कहाँ खोलेगा। डिटेंशन सेंटर का तो पिक्चर सारे हफिंटन पोस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया में दिख रहा है कि असम में 3-3 खोले गए हैं वहाँ पे। सिर्फ वो नहीं, एक पूरा मैनुअल भी है गवर्नमेंट का मॉडल डिटेंशन सेंटर का जो भेज दिया गया हुआ है यहाँ पे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जब प्रेजेंट है तो आप कैसे बोल सकते हैं डिटेंशन सेंटर नहीं है। इनफैक्ट अगर आप पिक्चर्स भी देखें, क्लियरली लिखा हुआ है वे टू डिटेंशन सेंटर। तो वो क्या है, बस नाच नचाने के लिए खोला गया है या क्या है बात वहाँ पे? तो डिटेंशन सेंटर नाम क्यों लिखा हुआ है उन जगहों का? आपका नाम? मोहम्मद अली। कहाँ से आए हो? मैं ईस्टर्न यूपी उत्तर प्रदेश से चलकर आया हूँ। आज ये सीए और जो एनआरसी का विरोध प्रदर्शन, सारे सभी यूनिवर्सिटी के लोग और बुद्धिजीवी लोग, इन्होंने फैसला लिया, इसलिए मैं आया हूँ। रहा सवाल, आज ये 15 दिन हो चुका है पूरे देश में हाहाकार, 22 मौतें हो चुकी हैं। सरकार ने अभी तक 6 महीने से पहले जब एनआरसी लागू हो रही है, आपने 9 तारीख को लोकसभा राज्यसभा में आपने पास कर लिया, आपके पास क्या प्लान था? आप अभी तक आवाम को ये नहीं बता पाए हैं कि 1955 का जो एक्ट है, 1866 में जो अमेंडमेंट पास हुआ है, जो एनआरसी का जो एक्ट है कि 1950 से लेकर 1987 जो भी देश में पैदा वो देश का नागरिक है, और उनके माँ बाप जो एक्ट है वो लागू करेगी, उसमें कुछ संशोधन किया है। अब आप ये बताइए, अगर एनआरसी लागू करते भी हैं तो आप, एक मिनट, ये सब बातें यहाँ आगे खत्म हो जाती है ना, परसों प्रधानमंत्री मोदी, हाँ, एक मिनट मैदान में, ठीक है, कि एनआरसी लागू नहीं होगा देश में, ठीक है, एनआरसी अब कहाँ लागू नहीं, आप 6 महीने से कह रहे थे लागू होगा, अमित शाह जी ने भी कहा, और एक प्रैक्टिकल हो चुका, एक्सपेरिमेंट हो चुका, असम में आप कर रहे हैं, पूरी तैयारी थी, जब इतना पूरे देश में दबाव बन रहा है तब आप पीछे रहे। अब अभी तक आपने ये नहीं तय किया कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाएगा नागरिक। अगर आप 135 करोड़ लोग हैं देश में, 125 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है, 90 करोड़ लोगों के पास वोटर आईडी है, 45 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड, अब ये बताइए, अगर सिर्फ वोटर आईडी मांगते हैं तो 45 करोड़ लोग इस एनआरसी में, क्या नाम है, पीड़ित होंगे, और पासपोर्ट तो केवल 60 करोड़ लोगों के पास है, कौन सा डॉक्यूमेंट मांगेंगे? देश के अंदर डिटेंशन सेंटर कहां है? मोदी जी पूछ रहे हैं डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं, असम में हुआ है, जब भय लगा हुआ, जब आपने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक प्रैक्टिकल कर दिया, तो पूरे देश के आवाम को यह लग रहा है कि अगर एनआरसी लागू होगा तो कहीं ऐसा असम का माहौल तो नहीं होगा। 46 करोड़, मैंने आपको बताया 44 करोड़ लोग, अगर वोटर आईडी, सिर्फ वोटर आईडी, अगर पासपोर्ट मांगेंगे तो 100 करोड़ लोग। मेरे भाई, कौन सा डॉक्यूमेंट मांगेंगे, क्या मांगेंगे, ये पहले सारी आवाम जो देश की है, पहले उनके डॉक्यूमेंट तैयार करें, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, पहले जनता जो नागरिक है देश की, उनके पहले ये सरकार तय करे, उसके बाद एनआरसी लागू करें, हमें कोई गम नहीं। आप कैब लाओ, बाहर के लोगों को लाओ, आज कई रोजाना भूखे सो रहे, कई लोग मर्डर, बलात्कार, चोरी, डकैती, हत्या से मर रहे, वाटर पॉल्यूशन, आज देश की जनता की दिक्कत नहीं है, देश गड्ढे में जाए और दूसरे, आप लेके आओ, आप 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ लेके आओ, लेकिन हमारे देश के नागरिक का क्या होगा? दो चीजें, एक तो वो अपना मैनिफेस्टो उठा के देख ले बीजेपी का, 2019 में जो इलेक्शन लड़के आए उस मैनिफेस्टो में एनआरसी क्लियर मेंशनड है, प्लस उनके अपने होम मिनिस्टर 10 बार बोल चुके हैं एनआरसी, उन्होंने ये भी कहा है कि असम का एनआरसी वो दोबारा करेंगे। हाँ, इंडिया, ओवरऑल इंडिया में तो करेंगे, असम में जो हो चुका है उसको वो दोबारा करना चाहते हैं। तो पता नहीं ये लोग आपस में, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर शायद आपस में बात नहीं करते हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी का सवाल अपनी तरफ से छोटा सा पूछूं, क्या आपको प्रधानमंत्री मोदी का हमें भेदभाव नजर आता है? बहुत नजर आता है, बिल्कुल नजर आता है। उन्होंने उस दिन बयान दिया कि आपको उग्रवादी उनके कपड़ों से नजर आएंगे, अब इस सेंटेंस से क्या समझे हम? ये तो क्लियर भेदभाव नजर आता है, अच्छा खासा भेदभाव नजर आता है। देखिए, तब ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और उसमें कुछ ऐसे तत्व घुस जा रहे हैं, ये सरकार की तरफ से भी हो सकता है, ये कहीं से भी हो सकता है, मतलब कौन से तत्व जो अंदर घुसते हैं और मारामारी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है उसको हिंसा में बदल दे रहे हैं, तो ये तो जांच करे सरकार। सटीक, बेबाक।